गुड सर। आफ्टरनून, गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। तो अभी हम लोग डिस्कस वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ फैब्रिक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स, एम आई राइट? सर जिस जिसका फीड यूज होगा वह क्लियर कर दे, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा। मैंने फी जमा कर देना है, संकल्प ज्वाइन किया है, संकल्प सिद्धांत, और कौन कौन है जिसका फीड यूज है वो आप फी जरूर जमा कर देना है, एम आई राइट? अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना? तो फी पे ध्यान रखना है। हरिओम, हरिओम कुमार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हरिओम, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं सर, है। कोई प्रॉब्लम नहीं हरिओम कुमार, नो एनी प्रॉब्लम्स। है ऋतिक राज, शुभम कुमार, अर्पिता, यशस्वी, कोई प्रॉब्लम है? तो वी हैव टू सर। एक डिस्कस, वर्ड का मीनिंग पूछना था। क्या है? अपीयरेंस तो हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है। आपको स्क्रीन शेयरिंग होगा, उस स्क्रीन शेयरिंग में आपको कुछ नहीं लिखना है, जो लिखेगा उसका बच्चे का नाम आ जाता है, तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मैं राइट? तो आप इस पे कुछ नहीं लिखना है, ओके? तो ये ध्यान में रखना है ना कि हम, आयुष कुमार, तुम ये हिम्मत करने लगा, निकाल दे, निकाल देंगे तो फिर चिल्लाने लगोगे, है ना? आपको क्या करना है ये समझ लेना चाहिए। जो सुनी सुमित कुमार ये सब नौटंकी कर रहा है, रुको, तुम्हारा नौटंकी है ना खत्म, खत्म हुआ नौटंकी? अब और नौटंकी, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिएक्शन इनेबल एनिमेशन फॉर अदर्स, हाइड नेम, हाइड वीडियो, हाइड फ्लोटिंग, शेयरिंग साउंड, ऑप्टिमाइज, टर्न ऑफ और एलिमिनेट। जब देखो, है ना, तो आपने जो है अभिज्ञान सिन्हा अभी ज्वाइन कर रहे हो, ना? ओके, तो हमें गोल पटना, यस, पटर डूइंग, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड? तो
ओके तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में ए का फर्स्ट में क्या होगा? कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक, है ना? ए का फर्स्ट में आपको ब्लैक होगा, ओके ब्लैक, क्लियर? तो के बाद टू में है आपको कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, और ये क्या होगा? बॉल्स, बॉल्स, ओके एम आई राइट? थर्ड में है द बॉडी कोट ऑफ सी फीज कॉल फ्लीस, फ्लीस, ये हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए थे। फोर में होगा द वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल लाइक गोट, गोट, सीप, सीप एंड कैमल, कैमल, ठीक है, एम आई राइट? वन मिनट। तो आपने पार्टिसिपेंट अरावराज, कोई प्रॉब्लम है? तेजस्वी कुमार, कोई प्रॉब्लम है? तेजस, नो एनी प्रॉब्लम्स? ओनली 32 पार्टिसिपेंट, 5 इज इन वेटिंग रूम, ओके। तपन तान्या, तेजस कुमार, अर्जा यशस्वी, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये डिस्कस भी हो चुका था? नो सर, इसका डिस्कशन ही होता, आप कल पढ़ाए थे। फाइव में है जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द, क्या होगा? बार्क ऑफ द जूट, बार्क ऑफ द जूट प्लांट, ओके। तो इस तरह से ए फर्स्ट क्लियर हो गया। वी फर्स्ट, वी में है फाइबर्स इंटू थ्रेड्स, क्या हो जाएगा? स्पिनिंग, वन का जो है सी, वन का सी, फिर टू का थ्रेड्स इनटू फैब्रिक, ये क्या हो जाएगा? वीविंग, है ना? उठा लो, और कलरिंग द फैब्रिक, डाइंग, और मेकिंग पैटर्न ऑन फैब्रिक, प्रिंटिंग, ओके
ना, फिर मेकिंग फैब्रिक स्मूथ एंड शाइनी, शाइनी क्या होगा ये आपको भी फिनिशिंग, तो आपने बी का वन का सी फाइबर्स इनटू थ्रेड स्पिनिंग ओके, वेर एच थ्रेड इनटू फैब्रिक क्या होगा वीविंग यानी डी, और कलरिंग द फैब्रिक डाइंग मेकिंग पैटर्न ऑन फैब्रिक प्रिंटिंग मेकिंग फैब्रिक स्मूथ एंड शाइनिंग फिनिशिंग, एम आई राइट आदर्श कुमार ओके, तो टू का क्लियर हो गया, ट्रू फॉल्स है ना, थर्ड सी का फर्स्ट, सी फर्स्ट क्या होगा लीनेन यानी सी ठीक है लीनेन ओके, आपको इसमें सी फर्स्ट तो वहां लिखा गया सी टू, सी टू, सी टू का क्या होगा सी कॉटन सीड्स फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली इनकरेक्टली मेजर पेयर इज सिल्क मलबरी जूट स्टेम कॉटन सीड्स, कॉटन का क्या होता है फ्रूट, तो सी हो जाएगा ओके ठीक है, एम आई राइट। थ्री द प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रैंड्स मेक ए फाइबर इज नोन एज, वी का क्या हो जाएगा स्पिनिंग ओके, फोर्थ फोर्थ का वीविंग इज डन बाय यूजिंग मशीन्स कॉल लूम्स, वन का सी फोर का सी फाइव, फाइव का क्या होगा जूट एंड कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल रिस्पेक्टिव ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल्स, एलोवियल एंड ब्लैक सॉइल होगा सर। गलत ये है जूट एंड तो लोमियर है नहीं ना इसमें, एलोवियल एंड ब्लैक सॉइल ए फाइव का ए, फाइव का ए ओके ठीक है क्लियर, नो एनी प्रॉब्लम्स कोई सर दिक्कत एक है पूछना तो आपको ना अभिज्ञान सिन्हा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, केवल बोलने से पढ़ाई हो जाता है जी, कि तुम हैंड्स रेज करोगे अनम्यूट करते तो पढ़ाई हो गई, पढ़ रहे हो दैट इज वेरी गुड थिंग्स है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें शामिल कर लिया जाए अनम्यूट में है ना, तो इससे पढ़ाई थोड़ी होती है, पढ़ाई होती है आपके नॉलेज से ओके, हैंड्स रेज करना ये कोई पढ़ाई नहीं है, तो ए बी सी कंप्लीटेड हो गया, अभी मैं डी का फर्स्ट डिस्कस करना है, डी का फर्स्ट ए बी सी सर में कोई था सर प्रॉब्लम है सर मुझे पाइथन क्या हुआ, पाइथन कोई प्रॉब्लम है सी तो पाइथन डाउट था यस सर आवाज नहीं आ रही है आपका, नेटवर्क गड़बड़ है आपका, सर सी पार्ट में अरबियन हाँ तो एंड लिख ब्लैक दिया तो गया फाइव ए, हाँ कंफ्यूज हो सके मैं तो गलत पूछा तो लिख दिया गया जूट पहले दे दिया ना, नहीं सर इसीलिए मैं जूट को ध्यान रखते हुए जूट एलोवियल में होगा और कॉटन जो है ब्लैक सोइल्स में होगा ओके, डी का फर्स्ट है हाउ आर क्रॉप्स, लैंग्वेज हाउ आर क्रॉप्स इंपोर्टेंट सर सी फॉर, पार्ट में अरबियन एंड दो सर
आंसर देखो स्क्रीन पे। आंसर है तो फिर ना। दिक्कत क्या है, पढ़ी जरूर हमें। कहना है आंसर? अच्छा नहीं, मिस्टर ऋतिक राज, क्या दिक्कत है ऋतिक राज? हैव यू एनी प्रॉब्लम्स ऋतिक राज? मम्मी देखिए तो दी फर्स्ट आर क्लॉट इम्पोर्टेंट फोर्स एस द क्लॉट्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड जर्म्स। ये आपको पेज नंबर 220 में दे दो, ठीक है? टू डी टू ये कहता है डिफाइन द टर्म नेचुरल फाइबर। द फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दैट मीन्स प्लांट और एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। पेज नंबर 221 में देख लो। ओके फाइबर्स थर्ड थर्ड व्हिच है आर यूजफुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर, प्रोसेसेस एंड एनिमल्स कॉटन एंड और प्लांट्स आर जूट। कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। क्या बोल रहा है? कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट। कॉटन ओके एंड जूट। जूट ओके। फोर्थ में है नेम द काइंड ऑफ सॉइल दैट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स। एलुवियल सॉइल है ना, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट। ओके फाइव है वेयर इज क्वायर ऑब्टेन फ्रॉम, तो ना क्वायर कहाँ से ऑब्टेन होगा? कॉइल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटर ऑफ कवरिंग ऑफ पेज द नंबर 222 कोकोनट्स। देखो। 222 क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटरिंग कवर ऑफ कोकोनट। आउटरिंग कवर कवरिंग आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कवरिंग ऑफ कोकोनट। ओके क्लियर? नो प्रॉब्लम। यस नो सर। जो भी बच्चे आप समझ लें, मेरे पास लिस्ट आ चुका होगा। आप अगर फी डिफॉल्टर है ना, तो आप जमा कर दें, अदरवाइज ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद ब्लॉक होने के बाद आप जब तक जमा नहीं करेंगे तब तक ब्लॉक ही रहेगा। ओके सर फीस यस फीस। तो आप ये सारे, सर कब तक का फीस जमा होना चाहिए? अप टू डेट ये होना चाहिए ने? बाकी है कि नहीं? तो ये चीज सारे कोई समझ ले, और सार श्रेष्ठता अपना 5 वीक से 6 वीक कर दे। ओके okay? तो हमें इस डी कंप्लीटेड हो गया, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट नहीं ई पोर्शन है। ई पोर्शंस के लिए आपको उसके बाद मेरे को स्टार्ट करना होगा।
नवंबर तक जमा होना चाहिए कम से इसके कम। बाद उसके क्या बाद हो गया? इसके अगर नवंबर तक हो चुका है तो तुम यहीं पे हो ना, अगले हफ्ते ए तुम्हें कॉलेज बात में नहीं नहीं जाना। करना है। इतना लंबा क्या हुआ है नहीं पता। ये? अरे तो हमें सीजन सी टू हो गया, तो आपको कंट्रोल प्लस ओके। तो ने तो हमें क्लियर समझ में आ गया होगा कहाँ तक डिस्कस हो गया। अब हमें E1 की बात करेंगे। सब क्वेश्चन नंबर और E1 D5 E1 ए स्टेट ए कंडीशन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट। कौन कौन से कंडीशन है जो कॉटन प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है? पेज नंबर 221 देखेंगे। क्या कॉटन प्लांट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल इज फाइन एट रिमेंस ड्राई फ्रॉम टॉप बट द रिमेंस द मॉइस्चर इनसाइड दिस हेल्प्स टू द प्लांट टू ग्रो। और भी ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है, ठीक है? क्लियर? टू टू है। व्हाई सर डू हेलो हाँ सर, मैं इस क्वेश्चन को ना सर वह पूरे इसका पैराग्राफ आंसर को फर्स्ट शॉर्ट कर दूँ, पैराग्राफ कॉटन का जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर को पैराग्राफ थोड़ा है शॉर्ट कर दूँ। उसको लिख देना है। टू मी है। व्हाई यस डू वी सर। नीड व्हाई डू सर वी इतना बड़ा यूज फ्रेश वो सॉइल कैसे? फॉर कल्टिवेटिंग जूट प्लांट एवरी ईयर स्टेट एनी थ्री यूजेज ऑफ जूट। दो पार्ट में आंसर है। पेज नंबर 221 में ही जूट है, उसमें कहता है कि फ्रेश सॉइल क्यों जरूरत है ना? तो लिखोगे जूट प्लांट यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जूट प्लांट यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके टू लार्ज एक्सटेंट देयर फोर फ्रेश सॉइल इज देयर फोर नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट। तो उसको क्या चाहिए? तो उसको जूट प्लांट यूजेज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू लार्ज एक्सटेंट देयर फोर फ्रेश सॉइल चाहिए उसको। ये फ्रेश सॉइल इज नीडेड एवरी ईयर फॉर ग्रोइंग जूट प्लांट्स। ओके क्लियर? और उसका जूट का थ्री यूजेज आपको चाहिए, तो जूट का थ्री यूजेज यूजेज ऑफ जूट रोप्स गनी बैग्स एंड मैट्स, तीन यूजेज आपको लिखना है। पेज नंबर 221 और 222 यूजेज 222 में है। ओके एम आई राइट? क्लियर है? एम आई राइट? सर यस यस सर। ओके। कहाँ रुक गया जी? तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड
पे डिस्कस करना है टू थर्ड। यस थर्ड क्या अपनी सेकेंड में था कि ये क्यों एवरी ईयर उसको नए प्लॉट चाहिए जूट प्लांट्स के लिए और उसका यूजेज क्या है। थर्ड क्वेश्चन है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है स्पिनिंग एंड वीविंग। तो आप पेज नंबर 224 को देखें। पेज नंबर 224 स्पिनिंग एंड वीविंग। कहाँ से आवाज आ रहा है। पेज नंबर 224 में स्पिनिंग दिया हुआ है और वीविंग दिया हुआ है। ये दोनों लिखना है। Am I right? Are you listening? सुन रहे हैं? पहले स्पिनिंग यस सर, यस सर, वी सुनता आर है कि लिसनिंग। फाइबर आर फर्स्ट में यस सर, मेड सुनिए ना बॉन्ड सर, हम मेड लोग की लाइक वीडियो हम स्टील लोग का दीज बैठ। आर टेन स्पून टुगेदर टू फॉर्म यार्ड्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्ड फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ओके तो स्पिनिंग के लिए हम लोग चरखा का यूज करते हैं। वेर एज वीविंग इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स और फैब्रिक फ्रॉम यार्ड्स। दिस इज द कौन है अभिज्ञान सिन्हा तुम्हारे घर से आवाज आ रही है। पक्का तो यस मेरी बहन करती सर, अब नहीं आएगा सर पक्का। अच्छा छोटे बच्चों का आवाज आती है। नहीं वो भी पढ़ने लगती है। नहीं हाँ यस सर, वो भी पढ़ने लगती सर उसको डीएवी में डालेंगे सर अगले साल से, सर है। उसको भी डीएवी में डालेंगे अगले साल से। हाँ तो वो भी पढ़ाई करने लगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो डीवी के टीचर लोग फ्री में भी पढ़ाते हैं है ना। तुम्हारी बात को फ्री में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है नहीं मैं नहीं पढ़ा सर, नहीं जरूरत नहीं है सर, जरूरत तो अब हमें नहीं डिस्कस है। करना है E4 है ना। क्वेश्चन राइट द नंबर करेक्ट फोर, सीक्वेंस द नेम ऑफ स्टील इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ्स। 223 पेज नंबर में स्टेप्स लिखा हुआ है डायग्राम के साथ है ना। कलेक्टिंग द फाइबर्स पेज नंबर 223। मैं सर है ना फोर्थ का आंसर जो होगा वो क्या होगा। जो दिया हुआ पेज है नंबर उसके टू बताओ हंड्रेड है ट्वेंटी सर। थ्री एम आई राइट। पेज नंबर 200 223 एम आई राइट। अब देखो उसमें ये डायग्राम जो दिया हुआ है उसी को लेना है एम आई राइट। कस्तुभ नारायण तुम्हारा आजकल मोबाइल खराब चल रहा है जी। सर आए कस्तुभ नारायण मोबाइल खराब चल सर, रहा है। हाँ सर, दूसरा फोन से कर रहे हैं सर, तो दूसरे फोन से कर रहे हैं। इसीलिए कनेक्ट नहीं होता है। यस सर, कभी लैपटॉप से करना पड़ता है। तो डिफरेंसिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। स्टेट एनी थ्री एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर ओवर नेचुरल फाइबर। तो आपको ये कल ही हम लोग डिस्कस किए।
Natural fibers are obtained from plants or animals, whereas synthetic fibers are man-made fibers. इसको इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग केमिकल्स है ना, ऑफ सुटेबल अमाउंट। ठीक है, और क्या क्या इसका एडवांटेज है आपको सिंथेटिक फाइबर का, और नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, मेंटेनेंस लो होता है। ये पेज नंबर 221 एंड 223 में देखना है, 221 आप देखिए। नेचुरल फाइबर दिया हुआ है, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स दैट इज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स है ना, फाइबर का पेज नंबर 223 में दिया है। और 223 में सिंथेटिक फाइबर का दिया है जिसको मेड आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स, इसी को। और फिर सेकेंड पार्ट जो है कि क्या क्या इसका एडवांटेज है, सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर देन नेचुरल फाइबर्स इन सम रिस्पेक्ट, दे आर स्ट्रॉन्गर, रिंकल फ्री, दे हैव फास्ट क्लोथ, डू नॉट श्रिंक एंड नॉट स्पॉइल्ड बाय मॉथ। एम आई राइट? तो आपको यस दोनों का हेल्प लेना है, पेज नंबर 221 एंड 223। 23 अब जो रह गया वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और आपको सारे डिस्कस हमने कर दिया है। एम आई राइट? वैल्यू बेस्ड सर क्वेश्चन को अर्घ्या यशस्वी पढ़ोगी, सुन रही हो कहीं यस और सर कोई काम कर रही हो? नो सर सुन रहे हैं तो वीडियो क्यों ऑफ करके रखी हो? सर हम पढ़ रहे हैं नहीं, अर्पिता को पढ़ने दो। यस सर ठीक वेल द ऑफ द वीवर वाज वेरी मच लाइक्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय ऑल हिज टीचर्स ही वाज अ पिक्चर ऑफ अटेंटिवनेस एंड कंसंट्रेशन इन हिज क्लास ही बिहेव्ड एंड वर्क इन अ वे सिमिलर टू दैट ऑफ हिज फादर कर लिए रीड सर। उसको एक्सप्लेन करो। वैभव एक वीवर का बेटा है और वो काफी अप्रिसिएट किया गया अपने क्लास में क्योंकि उसके पापा इतने अटेंटिव रहते हैं वीविंग करते वक्त, और उससे ये पता चलता है कि उसके पापा कितना हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि हम लोग सबको पता है कि वीविंग करते वक्त कितना ज्यादा हम लोग को अटेंटिव रहना पड़ता है क्योंकि अगर हम अटेंटिव नहीं रहेंगे तो थोड़ा सा भी काम इधर उधर होगा तो हमारे कपड़ा में से कपड़ा खराब दिखने लगेगा। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है सर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। आपको जो भी वर्ड लिखा जाता है वो सीधा दिखता है यस सर क्योंकि यह मिरर माय वीडियो है। सर 90 डिग्री कर लीजिए सर सर तो हाँ, बैकग्राउंड जिस साइड पर ग्रीन होगा उसी साइड पर आएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें नेक्स्ट चीज डिस्कस करें तो सर ये, क्वेश्चन नंबर 1 जो वेस्ट का बचा है सर हाँ तो कौन बताएगा, तुम ही बताओ। तो कॉस्ट्यूम उसका नाइन, क्वालिटीज वैल्यूज द वैभव फादर नीड्स व्हाइल डूइंग हिज वर्क ऑफ वीविंग क्लॉथ सर अटेंटिव क्वालिटीज एंड कंसंट्रेशन और है आगे कॉन्सेंट सर। दूसरा क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल अदर देन वीविंग ऑफ अ
प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर्स। सर इसका होगा सर क्लोथ्स, नॉर्मल क्लोथ्स जो कि हम लोग वियर करते हैं। और कुछ? लास्ट, प्ले अ स्किट इन द क्लास टू आउटलाइन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच ऑफ द प्रोसेस यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ आवर क्लोथ्स। सर क्लासरूम में। तो खत्म हो गई ये यस क्वेश्चन सर। आंसर। अब आई हैव समथिंग टू डू, आपको क्लॉथ्स फ्रॉम नेचुरल फाइबर लिस्ट ऑफ एक्टिविटी क्वेस्ट है जो आपको बनाना है अभी अभी कॉपी में। सारे बच्चे बनाएंगे, मैंने बच्चे बड़े स्मार्ट है, वो जैसे ही 30 मिनट्स हो जाता है उसके बाद वह मीटिंग लीव करने की ओर चले जाते हैं। इट इज वेरी बैड हैबिट्स। ओके एम आई राइट? तो यस आप लिस्ट ऑफ क्लॉथ्स जो दिया है, चार कॉलम बना हुआ है, कॉपी में इसको बनाओगे है सर। आप ना? बैकग्राउंड आ गया है ये ना तो दिक्कत हो रहा है। यस सर, पूरा ग्रीन ग्रीन आ गया है आपके फेस पर। अच्छा ठीक है, इसको मैं बदल लेता हूँ। कहाँ से बदलें? नहीं, am I right? यस सर, हो गया सर। ठीक हो गया? यस सर। सर मिनिमम कितना बनाना है लिस्ट में? कम से कम तीन तीन चारों में दे दो एग्जांपल्स। ओके सर। ओके तो यस सर। आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया है ना? यस सर। कोई दिक्कत है? और ये जो आपको मैंने स्क्रीन शेयरिंग किया, ये कंप्यूटराइज हो गया, वो आपका आंसर है ना? आप यस सर। उसको कभी भी देख सकते हैं। और ये हेल्पलाइन में एक ही पेज में सारे सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प करेगा ढेर चीज़ों में। ओके एग्जाम यस सर। का डेट है ना, आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे तो बहुत जगह टेस्ट चालू हो चुका है, यूनिट टेस्ट। एक टेस्ट बाकी था ना जी? यस सर, हम लोग का फ़रवरी से स्टार्ट हम है। लोग का हो गया था। यस, इसीलिए प्रिपरेशन अभी से कंटिन्यू करना है। ओके और यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सर सेफ्टा अपना रीनेम कर लेना है ना, 5B को 6B कर लेना है। यस सर।